जब वॉइस फ्रीज हो गई, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं संजू वर्मा, आ रहा हूं संजू वर्मा, यू हैव टू वेट वेट। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर बातचीत पूरी हो जाएगी तो ठीक है। प्रोफेसर आलोक पुराणिक, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। थाली महंगी हो गई, खाने का जो तेल था वो महंगा हो गया, लोगों ने कहा कि जिससे ऑफिस जाते थे वो गाड़ी जिसमें पेट्रोल भरता था वो 100 का पहाड़ा पड़ने लगा, ऐसी स्थितियां थी, मैं तमाम सारी स्थितियां थी। फैक्टर एक तो आर्थिक स्थिति, कोरोना के समय में लोगों ने घरों पर बीमारियों को भी देखा, एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का वहां भी गया, और ये कहा कि आमदनी जो थी 97% परिवार ऐसे थे जिनका आमदनी कोई बढ़ी नहीं और महंगाई वहां पर पहुंची, तो ये तमाम सारे फैक्टर्स थे जो लोगों ने कहा कि अब परेशानी हो रही है। जी प्रोफेसर आलोक पुराणिक, देखिए साहब, अगर आप गौर से देखें तो जो इस वक्त इंडिया की आर्थिक समस्याएं हैं इनका ताल्लुक आप कहें कि सात समंदर पार से और विदेश से है। एक तो कोरोना ने हमको मार रखा है, वो चीन से है। कच्चा तेल हम आयात करते हैं विदेश से और खाने के तेल हम आयात करते हैं विदेश से। तो कुल मिलाकर अगर आप बहुत गंभीरता से देखें तो ये इस तरह की समस्या है जिस पे पक्ष विपक्ष को बैठ के बात करनी चाहिए, और ये समस्या सिर्फ एक दूसरे को कहने से और सुनने से निपटने वाली नहीं, क्योंकि समस्या बहुत ठोस और जमीन पर। बल्कि मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि मई जून के जब आंकड़े आएंगे तो मई जून के आंकड़ों में महंगाई बहुत बढ़ी हुई दिखेगी। इसकी वजह यह है कि मई जून के आंकड़ों में जो ऑफिशियल आंकड़े हैं और जो वाकई हम लोगों ने एज ए आम आदमी जो देखा है, बड़ा फर्क है उसके अंदर। ऑफिशियल डेटा जो है वो क्या कहता है, ऑफिशियल डेटा कहता है साहब 5% के आसपास बढ़ा है रिटेल इन्फ्लेशन, लेकिन आप बाजार जाके देखिए साहब, तो उन चीजों पे जिनका कोई भी ताल्लुक कच्चे तेल से या किसी और चीज की महंगाई से एक हद तक है, लेकिन वो उन्होंने बढ़ा दिए 20%, 30%, 40%। तो मैं प्रतीक जी बहुत ईमानदारी से और बहुत दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में काला बाजारी को लेकर कोई भी दंडात्मक प्रावधान हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर ही नहीं रहा। हमने अपने 30-40 साल के जर्नलिस्ट कैरियर में किसी काला बाजारी को कोई किसी किस्म की कोई सजा होते हुए नहीं देखी। तो अभी जो तेल मार रहा है वो मार रहा है, सवाल ये है कि काला बाजारी आम आदमी को सबसे ज्यादा मार रही है और उसकी चिंता किसी को नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि काला बाजारी होती है, उसके बाद फिर निकल जाता है, फिर मामला कोर्ट कचहरी में फंस के घूम फिर की चीजें वहीं से आ जाती हैं। मूल समस्या ये है कि कच्चे तेल की महंगाई दरअसल सिर्फ कच्चे तेल की महंगाई नहीं होती, कच्चे तेल की महंगाई दरअसल हर चीज की महंगाई होती है। जो मैं यहाँ साबुन यूज कर रहा हूँ हिंदुस्तान लीवर के पुणे प्लांट से आ रहा है, जो मैं दूध यूज कर रहा हूँ वो मेरठ के पारस प्लांट से आ रहा है, जो मैं चाय यूज कर रहा हूँ वो कलकत्ता की टाटा फैक्ट्री से आ रही है। तो अंततः कच्चे तेल की महंगाई डीजल और पेट्रोल की शक्ल में हर चीज में रिफ्लेक्ट होती है। अब ये कहना कि कच्चे तेल की महंगाई एकमात्र जिम्मेदार है, तो साहब जब कच्चे तेल के भाव बहुत सस्ते हुआ करते थे तब उसका पूरा सस्ताई का फायदा जनता तक नहीं पहुंचता था, तब सरकार उसे कलेक्ट कर लेती थी। अभी 100 रुपए का अगर हम पेट्रोल के भाव दे रहे हैं तो 60 रुपए से ये टैक्स में जा रहा है, और ये 60 रुपए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ले रहे हैं। और बड़ा अद्भुत मामला है कि जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार है वो भी चीखती है कि साहब महंगाई है, और जिन राज्यों में केंद्र सरकार वाली पार्टी वो भी चीखती है महंगाई है। तो भाई अगर आप दोनों मिलकर तय कर लो भाई थोड़ी राहत देनी है तो इस 60 रुपए में से 20 रुपए टैक्स कुछ कम ले लो। तो मुझे क्या लगता है कि ये चीखना एक सोल्यूशन नहीं किसी चीज का, भाई 60 रुपए में से भैया 20 रुपए कम कर लेंगे, पब्लिक बहुत परेशानी में है, दुख में है, त्रस्त है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों प्रवक्ता बैठे हुए इनको अलग से बैठा दीजिए कि भाई आप कांग्रेस के हैं, आप भाजपा के हैं, आप रिजॉल्व कर लें कि आपकी पार्टी वाले राज्य में इतना कम हो जाएगा, आपकी पार्टी वाले राज्य में इतना कम हो जाएगा, वो ठोस राहत वाली बात मिलेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डर का और खौफ का जो महान प्रतीक जी है उसके चलते कई लोगों ने होर्डिंग, यानी मैंने घरों में देखा सेकंड उसमें कि कंजम्पशन मान लो 15 किलो आटे का है तो घर में लाकर रख लिया 100 किलो आटा, कंजम्पशन है 5 किलो चीनी का घर में लाकर रख ली 50 किलो चीनी। तो मतलब एक डर इस कदर है प्रतीक जी व्यक्ति के मन में कि मुझे कल कुछ हो जाएगा तो मेरी मेडिकल किसी व्यवस्था के लिए सरकार नहीं है, यानी मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वाले मुझे
रोते गाते लेके जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ वो मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख के बाद भी बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट सर, खौफ जो हो गया ना इंसान के मन में, उस खौफ के चलते होर्डिंग बहुत हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं बिल्कुल झेल लेता जी, बिजॉन मिश्रा जी ने उठाया था, वो हेल्थ वाला सेक्टर में जरूर आऊंगा मैं, जरूर ऑफकोर्स मैं पूछूंगा। मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कुछ, हाँ जी जी मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहती हूँ मैं, अमिताभ कुंडू जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रोफेसर मैं आ रहा हूँ जी जी, संजू वर्मा प्लीज क्लैरिफाई। सवाल यह भी था कि उन्होंने कहा कि दूध का जहां तक सवाल था, सब्जी थी चावल थी, 4.3% की महंगाई उसमें भी दिखाई पड़ती, संजू वर्मा। प्रतीक जी मैं दोबारा कहूंगी कि यहाँ पर किसी एक महाशय ने कहा कि हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, खाने का जो तेल है, और इसलिए क्योंकि उन देशों में सूखा पड़ा है और इसलिए यहाँ पर भारत में प्राइसेस बढ़े हैं, ये तर्क गलत है। मुझे बताइए ये तर्क कैसे गलत है, यदि अर्जेंटीना में सूखा पड़ा है, सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता, रशिया में सूरजमुखी का उत्पादन नहीं होता, वहां सूखा है, मलेशिया इंडोनेशिया में वहां पर नियंत्रण किया गया है कि आप खाने के तेल को पाम ऑयल को एक्सपोर्ट उसका निर्यात नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जो देश इसका आयात करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वहां पर इसका जरूर इंपैक्ट होगा। तो ये कहना कि बाहर के देशों की समस्या से भारत का कोई लेन देन नहीं है, ये बिल्कुल ही एक गलत तर्क है। मुझे एक चीज बताइए प्रतीक जी, अप्रैल के रिटेल इन्फ्लेशन के लेटेस्ट फिगर्स हैं और उसमें यह कहा है कि भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.2% था और सब्जियों की इन्फ्लेशन तो -14% था और जो खाद्य पदार्थ की इन्फ्लेशन है या महंगाई का दर है वो सिर्फ 2% था। मेरे पास पिछले 7 साल के महंगाई के आंकड़े हैं, एवरेज महंगाई मोदी सरकार के नेतृत्व में 4% रही है रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा माना जाता है, और एवरेज जो खाद्य पदार्थ की इन्फ्लेशन रही है मोदी सरकार के 7 सालों में सिर्फ 2% रही है। इनफैक्ट 2017-18 में तो कई महीनों तक सब्जियों की इन्फ्लेशन नेगेटिव थी, नेगेटिव थी। तो मैं ये बता दूं, संजू वर्मा राइट, एक मिनट प्रतीक जी आप बीच में टोकिए मत, मुझे बात 30 सेकंड में खत्म करने दीजिए। अब मुद्दा आता है जो कांग्रेस के यहाँ पर आकर भारी भरकम भाषण देते हैं, 2012-13 में टमाटर का भाव था 120 रुपए किलो, प्याज का भाव था 80 से 90 रुपए किलो और आलू का भाव भी था 60 से 70 रुपए किलो। तो यहाँ जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, संजू वर्मा जी राइट, संजू वर्मा जी राइट, संजू वर्मा जी आलू का भाव कितना है 20 रुपए किलो, संजू वर्मा जी प्याज का भाव कितना है, संजू वर्मा जी किलो, संजू वर्मा जी पदार्थों की महंगाई मोदी सरकार के दौरान संजू वर्मा जी बढ़ी नहीं है। प्रतीक जी आपको यदि सच नहीं सुना संजू वर्मा जी मत बुलाइए, आपकी आदत है, आपकी ये आदत है, कांग्रेस को भी नहीं आना डिबेट में, बीच में टोकते हैं, अजब स्थिति है। कांग्रेस को भी डिबेट में नहीं आना, बीजेपी को भी स्टेट में नहीं आना। संजू वर्मा जी सब्जी मंडी कब गई थी पिछली बार, 160 रुपए किलो।